बच्चों को बचाना है, क्योंकि पूरी दुनिया में लाखों बच्चे 5 साल की उम्र तक जिंदा नहीं रह पाते। भारत में भी शिशु मृत्यु दर काफी ज्यादा है। डॉक्टर कहते हैं कि कुछ लोग उन वजहों पर गौर नहीं करते जिनके चलते मासूमों की जान चली जाती है। क्या है वो वजह, आइए देखते हैं। शिशु मृत्यु दर पूरी दुनिया के लिए बड़ी समस्या। जन्म लेने के बाद दम तोड़ देते हैं कई बच्चे। अगर दिया जाए ध्यान, बचाए जा सकते हैं मासूम। बच्चा होना एक ऐसी खुशी जो जन्म लेते ही माता पिता समेत पूरे परिवार को उत्साह और उमंग से भर देती है। महीनों के इंतजार के बाद घर में नए मेहमान का आगमन सभी को खुश कर देता है, लेकिन कुछ घरों में ये खुशियाँ ज्यादा वक्त तक नहीं रह पाती। बच्चे के गर्भ में पलने या फिर जन्म लेने के बाद कुछ कारण ऐसे होते हैं जो उसके जीवित न रहने की वजह बन जाते हैं। जानकारों के मुताबिक हर साल पूरी दुनिया में 5 साल से कम उम्र के करीब 1 करोड़ बच्चे दम तोड़ देते हैं। दम तोड़ने वाले नवजातों में हर 5वां बच्चा भारत का होता है, यानी भारत उन देशों में शुमार है जहां शिशु मृत्यु दर सबसे ज्यादा है। कहीं सुविधाओं की कमी और माता पिता की गलती का खामियाजा मासूमों को उठाना पड़ता है। देश में हर 1000 में 44 बच्चे नहीं बच पाते। भारत में अगर बात मध्य प्रदेश की जाए तो स्थिति अच्छी नहीं है, क्योंकि यहाँ जन्म लेने वाले 1000 बच्चों में 59 एक साल में दम तोड़ देते हैं। भारतवर्ष में, हमारे भारतवर्ष में जो शिशु मृत्यु दर है वो 44/1000 लाइफ बर्थ है। मध्य प्रदेश में पिछले 20-30 वर्षों में स्वास्थ्य सेवाओं में काफी सुधार हुआ है। यहाँ पर जहाँ पहले शिशु मृत्यु दर 100/1000 लाइफ बर्थ के लगभग हुआ करती थी, वह पिछले कुछ वर्षों में तेजी से कम हुई है। पर वर्तमान में मध्य प्रदेश में जो शिशु मृत्यु दर है वो 59/1000 लाइफ बर्थ है। डॉक्टर्स की माने तो जन्म लेने से पहले और बाद में कई ऐसे कारण हैं जो छोटे बच्चे की मौत की वजह बन जाते हैं। इनमें से प्रमुख हैं साधनों के अभाव में डिलीवरी, गलत तरीके से डिलीवरी, बच्चों में लगने वाले संक्रमण, प्रसूति के दौरान चोट लगना या सेप्टिसीमिया, निमोनिया, डायरिया। इसके अलावा माता या बच्चे का कुपोषण बच्चे की जान जाने की सबसे बड़ी वजह है। लगभग 60% जो मृत्यु होती है 1 वर्ष से कम के बच्चों की, उसमें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कुपोषण संबंधित रहता है। चाहे वो कम समय प्रीटर्म बच्चे की डिलीवरी हो, चाहे वो लो बर्थ वेट डिलीवरी हो, या पहले वर्ष में होने वाला कुपोषण हो या संक्रमण हो, इन सब में कुपोषण एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है। डॉक्टर्स के मुताबिक गांव और शहरों के झोपड़पट्टी वाले इलाकों में शहरों की अपेक्षा शिशु मृत्यु दर ज्यादा है। यहां अशिक्षा और गंदगी भी इसकी बड़ी वजह है। ग्रामीण इलाकों में जो स्वास्थ्य संबंधित सुविधाओं की उपलब्धि न होना और अशिक्षा और स्वच्छ जल का की उपलब्धता न होना और पर्यावरण में जो गंदगी रहती है वो एक मुख्य कारण है।
डॉक्टर्स का कहना है कि अगर कुछ बातों का ध्यान रखा जाए तो शिशु मृत्यु दर में काफी हद तक कमी लाई जा सकती है। क्या है वो बातें बताएंगे आपको कुछ देर के बाद। आप देखते रहिए हमारी ये खास पेशकश हरप्रीत रीन, सहारा समय, जबलपुर।